गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाय हेलो हाय श्रुति स्नेहा मदा सॉरी माधवी मानसी। अरे वाह, गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फरीन बादल, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आन अकेडमी नीट। क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रैक्टिस, क्योंकि कल है आपका कौन सा पेपर? मंथन का टेस्ट 4 है ना, तो उसके लिए फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, टॉपिक रिवाइज करने की कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन से। सो वी विल ट्राई एंड कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। क्वेश्चन में ही टॉपिक का रिवीजन, एक 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 ऑप्शन वगैरह सब कुछ से हम निकालते चले जाएंगे। एक टॉपिक एक क्वेश्चन विल रिवाइज अ कंप्लीट टॉपिक। तो मेक श्योर आप फटाफट फटाफट आंसर करते जा रहे हो। चाहो तो एनसीईआरटी साथ के साथ खोल लो, ताकि हम क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते जाएंगे वो भी मैं टिक कराते जाऊंगी। और आई जल्दी से शेयर एंड ब्रिंग ऑन ऑल योर फ्रेंड्स। आई एम कोमल यादव एंड आई विल बी टेकिंग योर सेशंस ऑन अनअकैडमी नीट। और मंथन सीरीज, अगर जिन बच्चों को नहीं पता कि क्या है, तो मंथन इज 2021 नीट के लिए क्रैश कोर्स, जिसपे हम ऑलमोस्ट 11th के एंड पे आ, 12th बॉटनी मैंने करा दिया है। अब नेक्स्ट वीक से वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 11th। सिर्फ एक चैप्टर रह गया है 12th का, दैट इज इकोलॉजी, तो एनवायरमेंटल इश्यूज, हाँ बस वो रह गया है। अच्छा, आज का टेलीग्राम भी और बाकी के पीडीएफ भी इस टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट होते हैं बेटा, तो आपके पास आज का पीडीएफ भी मैं अपडेट करा दूंगी। इससे पहले वाली क्लास का भी कवर कर चुके हैं हम। अगर आपने किसी ने भी मिस कर दिया है, आई हैव कवर्ड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एक सेशन में, वन शॉट है, ठीक है? तो एक क्विक रिविजन हो जाएगा उस पूरे चैप्टर का, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, एवरीथिंग डिस्कस देयर। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो मेक श्योर कि आप उसको एक बारी देख लो, ताकि आपका सारा क्लैरिटी उसी टॉपिक में आपको मिल जाए, ठीक है? हाय सिद्धांत, वेलकम वेलकम हसन, वेलकम शगुफ्ता रानी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो आशीष, हाउ आर यू? ए जल्दी शेयर, लाइक शेयर, जल्दी जल्दी, सो दैट वी विल जस्ट, हाँ चलो लेट्स गो लेट्स गो। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि कोई भी नए चैनल नया टॉपिक हम जैसे डिस्कस करें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? अरे यार, 12th के बैचेस शुरू होंगे बेटा अप्रैल से, प्रॉपर बैचेस। वैसे कुछ बैचेस शुरू ऑलरेडी हो चुके हैं प्लस पे, जिनके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम बताती भी आई हूँ, ठीक है? कोई ना कोई टीचर्स के साथ एक नया बैच शुरू हो जाता है, तो मेक श्योर आप उसको देखते रहो, अनअकैडमी के चैनल्स को और यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते रहो, ताकि हमें कोई कोई ऐसा हमारा बैच मिस ना हो जाए, ठीक है? गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग प्रतीक, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और आप जानते हो आपको क्या करना है, पेंसिल पेपर साथ लेके बैठना है, ताकि कितने राइट कितने रॉन्ग और कितने क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, ये हम डेटा एंड में नोट डाउन कर सकें, ठीक है? तो जल्दी जल्दी से जल्दी 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 डिस्कस, विच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल हायरार्की। सबसे पहले हायरार्की में कौन आता है? सबसे पहले लोएस्ट, द बॉटम, सबसे नीचे वाला लेवल, ऑर्गेनिज्म। तो आप पहले वाले को हटाओ, दूसरे वाले को हटाओ, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म, ठीक है? नेक्स्ट बायोम, ऑर्गेनिज्म के बाद सीधा डायरेक्ट बायोम्स नहीं आएंगे बेटा, आपके पास आएगा ये ऑर्डर, लिख देती हूँ एक बारी, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ग्रुप जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी, उसके बाद आता है आपके पास इकोसिस्टम, फिर आता है लैंडस्केप, फिर आता है बायोम, एंड देन देर इज बायोस्फियर, ठीक है? तो दिस इज योर ऑर्डर। और इकोलॉजी डील्स विद बायोम, इकोसिस्टम, सॉरी सॉरी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म, राइट? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, इकोलॉजी डिस्क्राइब्स, क्वेश्चन नंबर 2, इकोलॉजी क्या चीज डिस्क्राइब करता है? इकोलॉजी डिस्क्राइब्स इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, गलत, नॉट ओनली। नेक्स्ट, इंटरैक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ सिंगल स्पीशीज ओनली, नहीं, ये हो जाएगा पॉपुलेशन, नो। इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज देयर सराउंडिंग एबायोटिक फैक्टर्स, ये ठीक लग रहा है। लास्ट देखो, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ओनली, नहीं। सो द बेटर आंसर इज
शाबाश बेटा, सृष्टि गुड, टू थ्री, ठीक है, थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन कैन, एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं एक पॉपुलेशन को, ठीक है, वन पॉपुलेशन हैज स्पीशीज, एक स्पीशीज के मेंबर्स बिलोंग करते हैं, वन स्पीशीज ओनली. तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं. कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है. नेक्स्ट, शेयर अ कॉमन जीन पूल, करेक्ट. शेयर अ कंप्लीट, शेयर और कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, ये भी पॉसिबल है. ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. फोर्थ, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, एक्सीलेंट. फटाफट से शेयर, ये जिन्होंने भी वन करा ना, इन्होंने आगे नहीं पढ़ा. कॉमन जीन पूल का मतलब जीन्स के जो टाइप है, वेरिएशंस हैं, वो सिमिलर टाइप ऑफ जीन्स में है. सिमिलर टाइप ऑफ जीन्स में चेंजेस मतलब जैसे आई कलर, एक कैरेक्टर है तो सही कम से कम. अब पेड़ का जीन पूल और मेरा जीन पूल सेम नहीं होगा, ठीक है. बेटर ऑप्शन फोर, शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद हाउ मेनी बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी बताया जस्ट पीछे कौन से थे. जल्दी, कौन से थे. करेक्ट, याद आया, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड बायोम्स. इट डील्स विद ये चार. तो ऑप्शन नंबर थ्री, थर्ड ऑप्शन लाली बेटा, थर्ड ऑप्शन फोर लेवल से डील करता है. अगला, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस मेंट फॉर. ये जो टर्म है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस का, ये किस चीज के लिए यूज करते हैं हम. टू सिमिलर इकोलॉजिकल नीश इन सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है. इसमें अगर आपको याद नहीं है तो एक बार याद करो, मैंने एग्जाम्पल बताया था टाइगर और लायन, या फिर कैट और आउल. काम ऑलमोस्ट सेम है लेकिन जगह अलग अलग होगी. डू यू रिमेंबर दैट एग्जाम्पल, हमने क्लास में डिस्कस करते टाइम पे पढ़ा था ये, कि जगह अलग अलग होगी. इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस मींस टू सिमिलर ऑर्गेनिज्म इन सेम ज्योग्राफिकल रीजन, नो. टू सिमिलर इकोलॉजिकल नीश इन टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन, ये ठीक लग रहा है. आगे देख लो एक बार, ऑप्शन सारे पढ़ा करो. ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई सिमिलर इकोलॉजिकल नीश इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन हो गया, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन हो गया थर्ड. देखो ना, आगे नहीं पढ़ा ना. ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस. तो हमारे पास एलिमिनेशन से जाना पड़ेगा, ट्राई एंड एलिमिनेट, एक एक को एलिमिनेट करना चाहे तो. इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस बोल रहा है, ठीक है. तो डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश नहीं, डिफरेंट होगा तो बात ही अलग होगी ना, ओवरलैप नहीं कर रहा है कहीं पे भी. टू सिमिलर इकोलॉजिकल नीश इन टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन या ऑर्गेनिजम्स दैट ऑक्यूपाई, तो बेटर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बेटर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, समझे मेरी बात. हाँ, तो ऑलवेज रीड द नेक्स्ट ऑप्शन. कभी भी आपको अगर कोई भी ऑप्शन ठीक लग रहा है बेटा, अगले दो देखो, अपने आप क्लैरिटी मिलती दिखेगी, ठीक है. ऑलवेज रीड, शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, फैक्टर्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स, कौन से दो होंगे. जल्दी जल्दी, शगुफ्ता, आशीष, कोई नहीं, गलत होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत होने दो, ठीक है. जल्दी जल्दी जल्दी, आकाश, ज्योति, क्विक, कौन से सिग्निफिकेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से बायोम्स बनते हैं. तो बायोम्स जब बने तो आपका ये वाला ग्राफ था, अगर आपको याद हो, ये वाला डेजर्ट और ये ऐसे ऐसे ग्राफ्स थे ना, उसमें हमने दो फैक्टर्स लिए थे, कौन से, रेनफॉल और टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन, गुड.
रेनफॉल और टेम्परेचर, दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और इसमें भी कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट? टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. ठीक है बेटा, एक्सलेंट. ओनली टेम्परेचर नहीं, तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, रेनफॉल. ठीक बच्चा. ओमाया, आशीष, गुड, हर्ष, एक्सलेंट. अब आते हैं अगले पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 7. 7, यस. फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच, गलत मैच ढूंढना है. टोपोग्राफिक फैक्टर्स सॉइल टेक्सचर बताता है, एडाफिक फैक्टर्स सॉइल के फैक्टर बताते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स विंड या ह्यूमिडिटी, और फिजियोग्राफिकल फैक्टर्स स्लोप्स और माउंटेन्स. जल्दी, क्विक क्विक क्विक, लाली, समीक्षा, इनकरेक्ट कौन सा है बेटा? अर्श, विच इज द इनकरेक्ट वन? इनकरेक्ट. अनु, श्रेया, इनकरेक्ट है बेटा पहला वाला. ये आपको सॉइल का टेक्सचर नहीं बताता. सॉइल टेक्सचर ये सही है, एडाफिक फैक्टर्स है. टोपोग्राफिक आपको ओरिएंटेशन बताता है, हिल्स, माउंटेन्स, है ना. ओ बाबा, क्लाइमेटिक फैक्टर तो करेक्ट है. कौन बोला ये थर्ड बे? बप पांडे जी, व्हाट आर यू डूइंग? संगीता, थर्ड तो ठीक है बेटा, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में ही तो आता है, विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स ही तो है. इनकरेक्ट पूछ रहा है. राइट, एग्जैक्टली. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर? अभी बताया मैंने पीछे, अब ये गलत नहीं हो सकता किसी का भी. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा. फिजियोग्राफिकल जो होते हैं, फिजियोग्राफिकल पोजिशन वाइज, माउंटेन्स इज करेक्ट, माउंटेन इज करेक्ट. आंसर क्या होगा इसका? द मोस्ट इकोलॉजिकल रेलेवेंट. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अडेप्टेशन इस चीज को, सारी चीजें इससे फर्क हो जाएंगी ना. टेम्परेचर, अरे बाबा टेम्परेचर, देखो जरा हालत देखो. ये मैंने पढ़ाते टाइम भी बताया, ये मैंने अभी 3 क्वेश्चन पहले बताया. यहाँ कौन कौन ऐसा है जो खुद डॉक्टर बनना चाहता है? कोई ऐसा जो खुद अपने लिए डॉक्टर बनना चाह रहा है, या डॉक्टर बनना भी चाह रहा है? इज ए एनीबडी हियर? इसी रिकॉर्डिंग में ये रहा, 2 क्वेश्चन पहले बोली है ये बात, 2 क्वेश्चन पहले बोली ये बात. क्लास में समझाते टाइम 5 बार बताया, क्लास में मैंने इकोलॉजी के क्वेश्चंस कराए थे तब मैंने समझाया, और लो अभी फिर ले लो. है ऐसे कैसे काम चलेगा फिर? इतना शॉर्ट रिटेंशन स्पैन कैसे काम चलेगा कि 2 क्वेश्चन में कहानी तुम भूल गए? थोड़ा सा तो बेटा मेहनत करना पड़ेगा इधर. चलो, क्वेश्चन नंबर 9. अ हैबिटेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, अ हैबिटेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय. एक हैबिटेट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? प्रिडेटर, पैथोजन, एबायोटिक, बायोटिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक, एडाफिक फैक्टर्स, या टोपोग्राफिक, क्लाइमेटिक और एडाफिक फैक्टर्स. विच इज करेक्ट हियर? बेटा मैंने क्वेश्चंस तनु ऐप पे कराए थे जहां हम पोल्स कर सकते हैं, है ना. तब क्यों नहीं आते हो तुम लोग? मेंटी पे कोई क्विज नहीं कराता, अन अकेडमी पे, आप लोग जानते हो ये बात. फिर क्यों एक ही चीज का रट लगाते हो? मैंने स्पेशल क्लास में कराया था तब नहीं आए, तो अब ऐसे ही कराना पड़ेगा मुझे. फिर तुम्हें क्वेश्चंस भी करने, मैं सबकी सुन रही हूं बट गलती मेरी हो रही है कहीं. अब क्वेश्चंस करा रही हूं तो ये नहीं कि क्वेश्चंस कर ले, अभी भी गड़बड़ 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 कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा. बायोटिक, ए बायोटिक क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है बेटा. हैबिटेट में सारी चीजें होंगी, ए बायोटिक फैक्टर्स भी, बायोटिक फैक्टर्स भी. बायोटिक क्या होते हैं? लिविंग फैक्टर्स होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटरेक्शन, एक पॉपुलेशन का दूसरे पॉपुलेशन से इंटरेक्शन. और ए बायोटिक में ये सारे आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे. टोपोग्राफिक भी आ जाएगा, क्लाइमेटिक भी आ जाएगा, एडाफिक भी आ जाएगा. एडाफिक इज सॉइल, क्लाइमेटिक में आ जाएगा विंड, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी,
ठीक है, और टोपोग्राफिक में माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, ये सब कुछ आ जाएगा, हिल्स, ये सब कुछ आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट टेम्परेचर. फाइंड आउट द करेक्ट मैच. कौन सा इनमें से सही है? ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? ए व्हाट इज ए, बी एंड सी. ये ग्राफ हमने क्लास में अच्छे से डिटेल में कवर किया है ना, मंथन के ही सेशन में, मंथन के ही सेशन में वी डिड द सेम ग्राफ. मॉर्फोलॉजी प्लस पे हो रहा है बेटा अर्श, यू आर आस्किंग मॉर्फोलॉजी कहाँ पे हो रहा है, दैट इज ऑन प्लस. वो पेड सब्सक्रिप्शन है, यूज कोमल लाइफ कोड टू गेट योर सब्सक्रिप्शन. राइट, अब देखो ए क्या है ना, ए तो रेगुलेटर्स हैं, सॉरी कन्फर्मर्स हैं, क्योंकि एनवायरमेंट का जो है वैसा ही इनके में भी टेम्परेचर वही रहता है. तो ये हो गए कन्फर्मर्स, ये हो गए रेगुलेटर्स और ये हो गए पार्शियल रेगुलेटर्स. ठीक है ना मन, बढ़िया. कन्फर्मर्स की कैटेगरी में आते हैं प्लांट्स, तो ये ठीक है, बर्ड्स नहीं, बर्ड्स नहीं. ठीक है, सी पार्शियल रेगुलेटर्स की कैटेगरी में मैमल्स नहीं आते, तो इसको हटा दो, एलिमिनेशन से गया पहला ऑप्शन फर्स्ट. बी में मैमल्स आएंगे करेक्ट है, लेकिन बर्ड्स आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ रेगुलेटर्स मेजरली. मैमल्स और बर्ड्स का नाम हम यहां रहते हैं, कन्फर्मर्स में हमारे पास नाम आता है ऑफ प्लांट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इन सब का. ठीक है, और पार्शियल रेगुलेटर्स में हमारे पास कैटेगरी आती है जो अवॉइड करना चाहते हैं जगह को, जैसे कि हाइबरनेशन में जो चले गए, एस्टिवेशन में जो चले गए, कोई डायपॉज दिखा रहा है, ठीक है, कोई माइग्रेट कर गया, तो वो सारी चीजें पार्शियल रेगुलेटर में आ जाती हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्लांट रिलेटेड अडेप्टेशन. प्लांट रिलेटेड अडेप्टेशन, क्विक सॉरी थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमैटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमैटा. स्कोटो एक्टिव का मतलब क्या होता है? जो ओपन्स एट नाइट, ओपन्स एट नाइट. स्टोमैटा कैम फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्जन ऑफ दिस. ऐसे में ये कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं इंपॉर्टेंट? गुड रोहित, तनु गुड, साई बास, सबिया गुड, बच्चा वेरी नाइस गुड. डेजर्ट प्लांट, और डेजर्ट प्लांट जेरोफिटिक भी होते हैं. आशीष गुड, एक्सेलेंट, तो इसलिए मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट भी सही है, ये भी ठीक है, सही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. ये कौन से होते हैं? हाइड्रोफाइट्स में ऐसा अडेप्टेशन क्यों नहीं होगा? हाइड्रोफाइट में क्या अडेप्टेशन होगा? नो क्यूटिकल, क्यूटिकल ही नहीं होता अगर अंदर डूबा हुआ पानी में, ठीक है, क्यूटिकल भी नहीं है, नो स्टोमैटा. संकन स्टोमैटा तो जाने दो, स्टोमैटा ही नहीं होता है अगर सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट है, अंदर घुसा हुआ है तो, है ना. अब आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी. किसी एक लोकेशन में पॉपुलेशन बढ़ाने में किसका रोल होगा? मोर्टैलिटी मतलब डेथ, एमिग्रेशंस कोई एग्जिट कर गया पॉपुलेशन को, प्रिडेशन मार दिया किसी को, खा गया, नेटैलिटी बर्थ. सो आंसर विल बी 3. इसकी वजह से पॉपुलेशन में आपको इंक्रीज दिखाई देगा, एक बर्थ होता है और इसके साथ साथ एक इमिग्रेशन होता है, इनकी वजह से पॉपुलेशन में ग्रोथ दिखाई देती है. एक्सेलेंट बच्चा, एक्सेलेंट. यार कल का पेपर फोड़ गया होगा एकदम, दिस इज व्हाट आई लाइक, गुड. लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ साथ. क्वेश्चन नंबर 13. प्रिडेटर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन. प्रिडेटर्स किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? कंडक्शन ऑफ एनर्जी अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर. ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी.
नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ प्रे पॉपुलेशन एंड मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट. ध्यान से देखना और तब आंसर करना. स्वप्निल वेरी गुड गोइंग, बहुत सही आंसर आ रहे हैं तुम्हारे में, बहुत देर से देख रहे हो. आशु गुड, करेक्ट आंसर. समीक्षा गुड, विशेष गुड, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि सारे सही है. प्रिडेटर क्या करता है, प्रे को खाता है ना, उसकी वजह से प्रे की पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहती है. ओवर नहीं खा रहा है, ऐसा नहीं कि 10 12 आए, 12 के 12 को मार के रख लिया, नहीं, 12 के 12 को मार के नहीं रखना है उसको, तो वो आराम से सही पेस पे चल रहा है, जितना चाहिए उतना ठीक है, बाकी जाएंगे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी. लेकिन क्योंकि वो सबको बराबर बराबर खा रहा है अलग अलग टाइप को, तो इसलिए आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, एक ट्रॉफिक लेवल नीचे. जैसे डियर, जीब्रा और इन सब का आपस में कंपटीशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका एक कॉमन टारगेट है ऊपर, वो शेर जो बैठा है उधर. ठीक है, ये सारे करेक्ट है, ऑल थ्री आर करेक्ट रीजंस कि प्रेडेटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. ये सारे गड़बड़ हो जाएंगे अगर आपके टाइगर और लायन उनके इकोसिस्टम में से गायब हो जाते हैं तो. ठीक है, आज सुबह डाइवर्सिटी लॉस वाला बात करी थी ना हमने, उसमें आ जाएगी ये फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. हाँ राज, क्लियर, बढ़िया. अब नेक्स्ट देखो, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाईज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज एंड एफिड्स रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली बोला तो मतलब कह रहा है कि लेडी बर्ड मॉस्किटो खाती है और ड्रैगन फ्लाईज एफिड्स खाते हैं. ये लाइन तो हो जाएगी गलत, क्योंकि उल्टा पॉसिबल है. लेडी बर्ड एफिड्स खाती है और ड्रैगन फ्लाईज मॉस्किटोज को खाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, बैकिलोवायरसेस आर एक्सेलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन. करेक्ट, करेक्ट, सही है. ये बहुत नैरो और एकदम टारगेटेड कीड़ों को मारता है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही. इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ओनली ए इनकरेक्ट, ओनली ए इनकरेक्ट. किसका सही आया? पूनम का सही आया, तनु, साबिया, आशीष, रोहित, सिद्धांत और श्रुति, स्वप्निल, आकांक्षा. गुड 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 गुड. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. म्यूटेशनल ब्रीडिंग. म्यूटेशन, आप टारगेट करके म्यूटेशन करा रहे हो. चार तरीके थे जिससे हम प्लांट ब्रीडिंग करा सकते हैं, कन्वेंशनल, म्यूटेशनल, सोमा क्लोनल वेरिएशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग, चार. ठीक है, अब म्यूटेशनल ब्रीडिंग से हमने मूंग बीन में कराया म्यूटेशन, उससे हमें किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिला? श्रुति गुड, मलिका गुड, अरे नहीं बेटा, रोहित, नाइस, करेक्ट आंसर. बाकी बाकी बच्चा पार्टी, अरे यार दोनों आएंगे बेटा. येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों के अगेंस्ट था ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, अलग अलग नहीं, ओनली ओनली नहीं, ओनली ओनली के चक्कर में गलत, और बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए भी नहीं. शेखर गुड, आकांक्षा नाइस, शगुफ्ता, सोनाली, ठीक है, पूनम गुड, एक्सलेंट, बढ़िया बेटा. तो ये मूंग बीन में अगेंस्ट येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू बोथ म्यूटेशनल ब्रीडिंग से हमने डेवलप किया. क्वेश्चन नंबर 16. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट स्टेटिंग देम ट्रू और फॉल्स. एक ट्रू है, एक फॉल्स है. ठीक है, बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी. ठीक, दे ऑल्सो इन रिड्यूस एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है बेटा. यूट्यूब पे कैसे पोल करेंगे आप रानी? उसके लिए तो स्पेशल क्लास में आना पड़ेगा ना. अब कल स्पेशल क्लास रखूंगी तो फिर उसमें नहीं आते हो तुम लोग, हैं? कल स्पेशल क्लास है, कल शाम को हम मंथन का टेस्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं, उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करूंगी मैं,
और उसके अलावा भी दो स्पेशल क्लासेस और हम करेंगे, तो मेक श्योर यू आर देयर। हाँ जी, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है बेटा, जब आप ब्लू ग्रीन एल्गी ऐड करते हो तो एल्किनिटी रिड्यूस करता है, स्लाइटली एसिडिक बनाता है सॉइल को, वो अच्छी चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर 4 आप हटा सकते हो। अगला, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ टैक्टिक्स ऑफ इकोनॉमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ये भी ठीक है, करेक्ट बात बोल रहा है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जिसमें हम आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए आप जब जाते हो तो आप क्या करते हो, आप माइक्रोब्स को ही यूज करते हो, बायोटिक बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज करते हो फॉर कंट्रोल ऑफ पेस्ट। बढ़िया, तो वही करा हमने यहाँ पे। मोस्ट स्पीशीज ऑफ एजोटोबैक्टर आर सिम्बायटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्स करता तो है लेकिन सिम्बायटिक तरीके से नहीं, फ्री लिविंग तरीके से, फ्री लिविंग तरीके से। तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, ये हटा दो। अगला, वैम हैज सिग्निफिकेंट रोल इन फॉस्फोरस न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। वैम क्या है? वेसिक्युलर आर्बिस्क्युलर माइकोराइजा, वेसिक्युलर आर्बिस्क्युलर माइकोराइजा, ठीक है, तो वो तो करेगा ना, फॉस्फोरस पोटेशियम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके लाके देता है, तो ट्रू, दैट मींस करेक्ट ऑप्शन 3, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बारी में रिवाइज कराते हैं। गुड पांडे जी, ज्योति समर्थ गुड बेटा, आकांक्षा नाइस। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, बस मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म का नाम भी बताओगे आप लोग मुझे। राजू, राहुल, ऑप्शन का करेक्ट नाम भी बताओगे मुझे ऑर्गेनिज्म का, अब आएगा मजा। जल्दी पॉइंट आता है कि आपका कौन सा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से ऑर्गेनिज्म का से आ रहा है, ठीक है। आंसर्स विल बी क्लॉट बस्टर इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, है कि नहीं? हाँ, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज कम्स फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस इज बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है? स्ट्रेप्टो काइनेज बनाता है जो क्लॉट बस्टर जैसे एक्ट करता है, तो आंसर तो इसी से आ जाएगा, लेकिन बाकी को भी रिवाइज करना है, पूरा टॉपिक रिवाइज होगा। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए एक्ट्स एज एन इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनो सप्रेसेंट किधर से आएगा? ट्राइकोडर्मा, फंगस कौन है? ट्राइको डर्मा, पॉलीस्पोरम, ठीक है। करता क्या है ये? इम्यूनो सप्रेसेंट है, इम्यूनो सप्रेसेंट है, ओके। एंड स्टैटिन्स, स्टैटिन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग, सॉरी, ईस्ट, विच इज मोनोएसिस परप्यूरेंस। ये क्या करता है? लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, कैसे, कहां से आता है? मोनोएसिस परप्यूरेंस, मोनो एसिस परप्यूरेंस, इजी, गुड गुड सिद्धांत, आकांक्षा गुड बेटा, पूनम एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एंड कल का पेपर धांसू जाने वाला है, तुम लोग मुझे टैग करोगे अच्छा पेपर देके, ठीक है, टैग मी इन द फाइनल, क्या आता है आप लोगों का सोल्यूशन। ऑल द गिवन वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स आर बायो फोर्टिफाइड, मतलब हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू किसकी है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है, तो मेज वेराइटी प्रोटीना गुड,
इट इज लाइसिन रिच. कैसा रिच? लाइसिन रिच. और प्रोटीना के साथ और भी दो वेराइटीज आती है, रतन. हाँ रतन, प्रोटीना, शक्ति और रतन. रतन अलग है और रत्ना अलग है. रतन इसके साथ है, ठीक है. ये भी ठीक हो गया, फिर ये भी सेम पॉइंट हो गया. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एटलस 66 वीट की प्रोटीन रिच वैरायटी है. प्रोटीन रिच वैरायटी है, शाबाश बेटा, प्रोटीन रिच. लेकिन राइस की वैरायटी रत्ना इज अ सेमी ड्वार्फ वैरायटी. सेमी ड्वार्फ वैरायटी. इट इज नॉट बायोफोर्टिफाइड. वो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए थी, जया और रत्ना ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे. ठीक है बच्चा, आया, याद आया, याद आया. गुड लाली, गुड शगुफ्ता, आशीष पांडे जी, क्या बात है. नूरा, गुड बेटा, नाइस टू हैव यू हियर. सिद्धांत, सबिया, शाबाश. फैजल, हाँ राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू नेकेड प्रोटोप्लास्ट विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड. मतलब फ्यूजन के लिए, दो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के लिए आपको किस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. नॉट रिक्वायर्ड पूछ रहा है, बताओ जरा किसकी जरूरत नहीं है. क्विकली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड. हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट विद शॉर्ट पल्सेस, करेक्ट. सोडियम नाइट्रेट केमिकल है, ठीक है. पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल केमिकल फ्यूजन के लिए जरूरी है, ये नहीं चाहिए. फोर बेटा, फोर BAP, ये साइटोकाइनिन है, ये साइटोकाइनिन है. साइटोकाइनिन्स आर नथिंग बट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ये फ्यूजन में हेल्प नहीं करते साइटोप्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन में हेल्प नहीं करेंगे ये, ठीक है बेटा. जेम्स लाली, क्लियर हुआ बच्चा. निधि, हाँ अब ये ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं कर गया ना. अगला क्वेश्चन नंबर 20. चूज द इनकरेक्ट मैच, जो गलत लाइन है वो चूज करो. नॉरिन 10 अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग ऑफ व्हीट. ये स्टेटमेंट करेक्ट, सही है. IR24 ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट. IR24 ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट. डी जीओवू जेन ड्वार्फिंग जीन ऑफ राइस. जया, ड्वार्फिंग वैरायटी, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, ये तो अभी पीछे बताया मैंने, ये यहाँ पे, यहीं पे बताया था. जया रत्न, डी जियो वू जेन, ये भी करेक्ट है. गलत हो जाएगा ये. IR24 वॉज फिलीपींस से बना हुआ आपका वेराइटी फॉर राइस. कहाँ बना था? फिलीपींस में, IRRI में, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है. IRRI, ये कौन है जो बोल रहा है कभी बॉटनी कभी एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में क्या आएगा बेटा? अयो, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो प्लांट साइंसेस ना. अरे वो 11th 12th के लिए पढ़ रहे हैं. 11th 12th में तो बायो का ही डिवीजन नहीं होता, वो तो हमने कर दिया बॉटनी जुआलॉजी में. बहुत बहुत छोटे लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं अभी हम, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. ये इस पे क्वेश्चन तो आना ही आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे क्वेश्चन ना आ जाए. बढ़िया. नेक्स्ट, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैस प्रोडक्शन अकर्स इन. बायोगैस कहाँ बनेगा? और वो सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहा है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बायोगैस प्रोडक्शन कहाँ होगा? ठीक है, तो प्रोडक्शन अकर्स इन डैश अंडर द प्रोसेस ऑफ वॉट. अगर माइक्रोब काम कर रहे हैं, तीन प्रोसेस होते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल. इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, ये कहलाता है सेकेंडरी और ये कहलाता है टर्जरी. कोई भी चीज जो माइक्रोब से हो रही है वो यहां पे काउंट होगी,
ठीक है, वो माइक्रोब्स वाली जो भी होगी वो बायोलॉजिकल में काउंट होगी। तो अगर आप इधर ट्रीटमेंट देखते हो तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेक्ट है। बायोगैस का प्रोडक्शन मिथेनोजेंस कराते हैं। मिथेनोजेंस को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर होगा ये चीज। करेक्ट करेक्ट, एनारोबिक के अंदर होगा, एरोबिक के नहीं। एरिएशन टैंक में तो आपके पास बहुत भर भर के ऑक्सीजन है, तो यहां पे नहीं। ठीक है, क्लियर? हाँ, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बच्चा, क्वेश्चन क्वेश्चन पे ध्यान। क्वेश्चन नंबर 22, ये तो बहुत ही इजी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। द पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय। एंटीबायोटिक के लिए किसको क्रेडिट दिया हमने? डिस्कवरी नहीं, डिस्कवरी नहीं, पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक किसको दिया क्रेडिट? किसको दिया क्रेडिट? जल्दी, नहीं, डिस्कवरी नहीं पूछा है। इफेक्टिव एंटीबायोटिक बनाने के लिए चेन और फ्लोरे को मिला था। डिस्कवरी इधर है, लेकिन उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक बनाने का काम चेन एंड फ्लोरी। ठीक है, चेन, फ्लोरी एंड फ्लेमिंग, इन तीनों को साथ में नोबेल मिला। फ्लेमिंग को फॉर डिस्कवरी एंड चेन एंड फ्लोरी को फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू अ प्रॉपर एंटीबायोटिक। समझे मत? कौन सा ईयर? 1945। ईयर कौन सा है? 1945। एक्सलेंट। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? भाई अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। स्टैटिन्स, स्टैटिन्स लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एंजाइम कौन सा है? HMG को ए रिडक्टेज, जिसके साथ नॉर्मली बाइंड करता है मेवलोनेट। हाँ, मेवलोनेट ये बाइंड करता है नॉर्मली, बट इसके बाइंड करने की जगह स्टैटिन्स बाइंड कर जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू। सस्पेंडेड सॉलिड्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट? नहीं, सेकेंडरी सॉलिड्स को हम रिमूव करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान, फिजिकल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। पहला स्टेप ही ये है, फर्स्ट स्टेप ही हमारा ये है कि हमें पोलन, ये कोई भी चीज़ जो फ्लोट कर रही है, बहुत हैवी है, उसको हटाना है। तो ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है, आगे भी पढ़ लो। ग्रेटर द BOD ऑफ द प्लांट वेस्ट वाटर, मोर इज द पोल्यूटिंग पोटेंशियल। करेक्ट। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज फॉर दिस फॉर, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ये भी तब होगा जब क्लॉट फॉर्मेशन वगैरह हो जाता है, तो थोड़ा थिनिंग में काइंड ऑफ काम आ जाता है आपके। रॉन्ग टू। अब आप देखो इससे एक से कितनी चीजें रिवाइज हो गई, आपके बायो एक्टिव कंपाउंड्स हो गए रिवाइज, और ये दोनों सीवेज ट्रीटमेंट वाला पॉइंट रिवाइज करा गए। तो ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल है ना। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग वेस्ट सॉरी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, एक एक करके फिल्टर आउट करना, ठीक है, ऑफ फ्लोटिंग डेब्री एंड सेडिमेंटेशन स्टेप्स। आप क्या कर रहे हो? फिजिकल रिमूवल कर रहे हो, सिर्फ चीजों को ऊपर ऊपर से हटा रहे हो, जो भारी है उनको हटा दिया, जैसे नेल्स, पेबल, भारी चीजें आगे कुछ, तो वो हटा दी, ऊपर तैर रही है वो हटा दी। तो आप क्या कर रहे हो? फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये कब होगा? फिजिकल प्रोसेस में होगा। अब फिजिकल प्रोसेस कौन सा है? प्राइमरी। एक्सेलेंट, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 24, 25, क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रोब्स और उनका प्रोडक्ट में से कौन सा करेक्ट मैच है? ये चीज ध्यान देना और आंसर करना फटाफट, ठीक है बेटा। बॉटनी वाला पोर्शन मैं लूंगी, जुआलॉजी वाला पोर्शन सीप मैम कवर करा देंगे आपको, स्ट्रैटेजीज एंड माइक्रोब्स में, ठीक है तुषार? एंड डोंट स्पैम बच्चा, तुम मेरे क्लास में रेगुलरली आते हो, तुम क्यों स्पैम कर रहे हो?
नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, 25th करेक्ट वाला पूछा है, करेक्ट वाला पूछा है. एस्परजिलस नाइजर, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटुलिकम. करेक्ट मैच किसके साथ है ये बताना. लैक्टोबैसिलस गोज फॉर लैक्टिक एसिड, लैक्टो बैसिलस है इसका करेक्ट. तो ये पहला वाला तो गलत हो गया, ये रॉन्ग. क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटुलिकम विल फॉर्म ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड बनाएगा वो, और ये बनता है एस्परजिलस से. एक ही क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाना है, सब क्लियर हो जाएगा. तो ये भी गलत, ये भी गलत. एसिडोबैक्टर एसिटी फॉर्म्स एसिटिक एसिड, नॉट ब्यूट्रिक एसिड. ब्यूट्रिक एसिड इससे बनता है, ये क्या बनाता है, ये एसिटिक एसिड बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है. एस्परजिलस नाइजर फॉर्म्स पेक्टिनेज, ये करेक्ट है. फोर फोर बस. शिवांगी आई विल सेंड द लिंक अगेन टेलीग्राम ग्रुप में, हो जाएगा एनरोल, डोंट वरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. फंजाई विच फॉर्म्स एक्टोमाइकोराइजा यूजुअली बिलोंग्स टू. दो तरीके के माइकोराइजल एसोसिएशन होते हैं, कौन से, एक्टो और एंडो, है ना, एक्टो और एंडो. आपको याद कराया था मैंने एक्टो के लिए बीबीसी, बॉलिटिस, बेसिडियोमाइसिटीज, एक्टो का सी. एंडो में बाकी सारे आ जाएंगे. एंडो इज, एंडो में हमारे पास आ जाता है जी, ग्लोमस, जाइगो एंड एंडो एन. तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, एक्टोमाइकोराइजा सी वाला है, बेसिडियोमाइसिटीज. अरे वाह क्या बात है, गलत शगुफ्ता, गलत आंसर आकांक्षा, गलत क्यों दिया आंसर. तुम लोग कल के पेपर में गड़बड़ करके आओगे यार, ऐसा ना करो. हाय फैजल, गुड, शाबाश. चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. बाय कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, लैब. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, लैब. हेल्प्स इन ऑल एक्सेप्ट, सब चीजों में मदद करता है, सिवाय किसके, सिवाय किसके. इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग B12, करेक्ट है. प्रोड्यूसिंग एसिड दैट पार्शली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, ये भी ठीक है. चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन आवर स्टमक, ये भी ठीक है. फर्मेंटिंग मिल्क बाई यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है. लैक्टिक एसिड कैसे बनेगा बैक्टीरिया में, जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, फर्मेंटेशन होगी तो ऑक्सीजन कहाँ यूज होगा बेटा. आंसर हो गया 4. गुड जीत कामिनी, गुड बेटा. शाबाश शाबाश, बढ़िया. यही तो मतलब लॉजिक से निकल जाएगा आंसर, दिमाग लगाने, मतलब दिमाग, ऑब्वियसली लॉजिक इज ऑल्सो दिमाग में, बट हाँ लॉजिक से निकल जाएगा, याद कर, रटने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 28. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड विद रिस्पेक्ट टू स्टेप्स रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस. बायोगैस बनाते टाइम 3 स्टेप्स लगते हैं, कौन सा वाला स्टेप नहीं लगता है, कौन सा वाला स्टेप नहीं लगता. क्विक, थैंक यू जीत. पेन का कलर चेंज कर लूँ, ब्लू ठीक था पहले, ब्लू ठीक था शायद, है ना, ग्रीन कर देते हैं, आई थिंक ग्रीन इज ओके. ओके ओके, हाँ डिस्टिलेशन का कोई प्रोसेस नहीं आता है बायोगैस प्रोडक्शन में, ठीक है, डिस्टिलेशन का कोई प्रोसेस बायोगैस प्रोडक्शन में नहीं आता, ये अल्कोहल के उसमें आता है, क्लियरिंग में आता है. ठीक है, बढ़िया शाबाश. ये बात बच्चा पार्टी. अच्छा वाइट, वाइट पे वाइट कैसे चलेगा फिर, है कुछ भी. क्वेश्चन नंबर 29.
क्वेश्चन नंबर 29, स्टैटिन्स आर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ, कौन से एंजाइम को टारगेट करता है? अभी बताया था मैंने पीछे, गलत किया तो पिटोगे तुम लोग, पिटाई खाओगे तुम लोग अगर तुमने गलत किया ही है तो। स्टैटिन्स आर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ विच एंजाइम? एच एम जी, कोए रिडक्टेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, सेल्यूलेज और पेक्टिनेज? जल्दी आंसर। गुड जया, आप विकास, शाबाश शुभम, क्या बात है, क्या बात है, छा गए, ओए ओए, फर्स्ट एच एम जी कोए के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, बाकी क्या है ऑप्शन? स्ट्रेप्टोकाइनेज तो आप जानते ही हो कौन बनाता है, इनहिबिटर नहीं है स्ट्रेप्टोकाइनेज, बाय स्ट्रेप्टोकोकस, और आपके पास पेक्टिनेजेस आ जाएंगे एस्परजिलस से। क्वेश्चन नंबर 30, डैश इज एन एंजाइम विच इज यूज टू डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स इन हार्ट पेशेंट्स। ईजी क्वेश्चन, कौन से एंजाइम से होगा? 30th का कौन से एंजाइम से होगा? लोग ना कचरा कर देना कल पेपर में, कचरा मत कर देना कल पेपर में तुम लोग, डोंट डू दैट प्लीज। शाबाश, गुड, नाइस। अमाइलेज नहीं हो, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज आया स्ट्रेप्टोकोकस से। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च डिग्रेड करेगा, स्टार्च डिग्रेडेशन, ठीक है। पेक्टिनेजेस और प्रोटीनेजेस, इनमें ज्यादातर आपके एस्परजिलस आ रहा है, एस्परजिलस फॉर ब्रेकडाउन, एस्परजिलस फॉर ब्रेकडाउन, ओके, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अब आया मस्त मस्त क्वेश्चन, देखो सेम वही है पिछले वाले जैसे, जैसे अभी हमने करे, बस थोड़ा खिचड़ी है। मैच मार्क द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच को मार्क करना है, आ जाओ जी। इनकरेक्ट मैच, सिट्रिक एसिड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, बढ़िया सा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लूकोनिक एसिड प्रिपेयर बाय एस्परजिलस नाइजर, एच नहीं आएगा, एंड पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, एसिटिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम फर्मेंटेड अल्कोहल, एंड लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन फर्मेंटेड प्रोटीन बाय यूजिंग एसिटोबैक्टर एसिटी। यार ये तो क्लियरली गलत है, ये वाला तो क्लियरली गलत है, एसिटोबैक्टर एसिटी कहाँ आ गया लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के लिए, तो हाईली इनकरेक्ट डी। ये सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट सबसे ज्यादा गलत कौन है? डी। तो ऐसा बहुत बार होगा पेपर में आपके साथ कि बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको टिक करना है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल क्लियर कट आंसर सही दिया हुआ है, यू हैव टू गो विद द बेस्ट पॉसिबल आंसर, और यहां बेस्ट पॉसिबल आंसर डी है हमारे लिए, हाँ डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन हो गया, ये 32, जल्दी से बता दो ए बी सी डी क्या है? बैक्टीरियम है, क्लॉट बस्टर बनाता है, क्लॉट बस्टर क्या बनाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, हाँ, तो ए क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस, तो हमने ए हटा दिया, डी हटा दिया, या तो बी होगा या सी होगा। अगला देखो, बी एस्परजिलस नाइजर, एसिटिक, ये सिट्रिक एसिड, व्हाट इज एस्परजिलस नाइजर? इट्स अ फंगस, एस्परजिलस फंगस है, ट्राइकोडर्मा फंगस है, स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस काइनेज नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम इज ऑल्सो बैक्टीरिया, आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड बी, शाबाश, ये बात। जया, आशीष, स्वप्निल, हर्ष, जय बेटा, देख आखिरी में क्यों गड़बड़ कर रहे हो तुम, बी तो फंगस ही नहीं रहेगा ना, ये बी से फंगस हो गया, बस दो पता होने चाहिए पहले, उसी से आ रहा आंसर, उसी से आ रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, नॉट अ बायो फर्टिलाइजर? एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, एजोला और बैसिलस थुरिंजिनेंसिस, क्विक,
जल्दी जल्दी जल्दी, और फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब, फट 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 फट। ये नहीं होगा कभी भी, ये नहीं है, ये फर्टिलाइजर नहीं है। आप बैसिलस थुरिंजिनेंसिस को बायो कंट्रोल में यूज कर सकते हो, बायो पेस्टिसाइड हो सकता है ये। एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। सो सेम विल बी डन बाय क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम भी यही करेगा, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग। एजोला के साथ इसके अंदर, एजोला है फर्न, ठीक है, इसके अंदर बैठता है एनाबीना, और एनाबीना करता है नाइट्रोजन फिक्स। तो इनडायरेक्टली एजोला कैन ऑल्सो हेल्प। अगर मैं पेड़ों में एजोला डाल दूंगी तो एजोला में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला ब्लू ग्रीन एल्गी होगा। बैसिलस थुरिंजिनेंसिस कभी भी नहीं करने वाला ये काम, कभी भी नहीं करने वाला ये काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। करेक्ट ऑप्शन लेडी बर्ड। लेडी बर्ड किसको हटाता है? अभी करा था हमने डिस्कस। हाँ जी बच्चा अफशीन, आपके ऑप्शन आपके दिख रहे कमेंट्स। यप यू आर विजिबल, वेरी वेरी मच विजिबल, ठीक है। लेडी बर्ड विल कंट्रोल एफिड्स, तो ए के साथ आया 3, तो इन दोनों को हटा दो। माइकोराइजा ग्लोमस, कौन सा माइकोराइजा है? ग्लोमस एंडो माइकोराइजा है। बी के साथ 4, बी के साथ 4, दोनों ही है। ले बायो बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायो कंट्रोल में कौन आ जाएगा? ये ट्राइकोडर्मा। सी के साथ 2, सी के साथ 2, सी के साथ 2, ये पहला आ रहा है, इसको हटा दो। एंड बायोगैस प्रोडक्शन मिथानोबैक्टीरियम, दैट इज मिथानोजेंस, मिथेन बनाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे, इजी है, शाबाश। अगला क्वेश्चन 35। कितने सही हुए अभी तक तुम लोगों के? क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी राइट, हाउ मेनी रॉन्ग एंड हाउ मेनी लेफ्ट। कोई कर रहा है कैलकुलेट? अटिंगू टिंगू क्वेश्चन है। बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, बाय, ये क्या है? बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बाय केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाउ डिमांड है तो कितना कंजम्पशन हो रहा है चेक करोगे आप? कितना कंजम्पशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन पे आएगी, एवोल्यूशन नहीं, रिलीज नहीं हो रहा है ऑक्सीजन का। ऑर्गेनिक मैटर का इनडायरेक्ट पता चलता है हमें, डायरेक्ट नहीं पता चलता, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली हम बीओडी से ही निकाल पाते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक मैटर वो तो है ही बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अच्छा ऊपर बच्चों ने बताया 30 करेक्ट है, 31 करेक्ट है, और ये क्या बात है शगुफ्ता, 32 राइट, अरे नाइस, 35 में से 30, 35 में से 30 करेक्ट, दैट इज अ गुड स्कोर। 35 में से गुड, दैट इज गुड, दैट इज परफेक्ट। 30 करेक्ट तो बहुत ही मस्त स्कोर है दिशा, गुड बेटा, सो अपने लिए एक्सेलेंट। 33 करेक्ट, जो दो तीन गलत हो रहे हैं ना प्लीज उन पे एम्फेसिस डालना, वो वाले टॉपिक एक बार दोबारा देख लेना कल पेपर से पहले, ठीक है। नंदनी नो प्रॉब्लम बेटा, एक बार ही देख लेना क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज द मासेस ऑफ बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर बाय फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मेश लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? ज्योति गुड, 34 इज गुड, नाइस, अच्छा अच्छा स्कोर है बेटा आपका, कोई नहीं। अरे सिद्धांत दैट इज गोइंग रॉन्ग बेटा, 23 नहीं आना चाहिए, वो गड़बड़ हो जाएगा आपका। अरे नहीं, नॉट 30, नहीं वो गड़बड़ है, 23 कम है। एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस, एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस का जो मिक्सचर बन जाता है ना,
सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, उसे हम बोलते हैं फ्लॉक। उसको जब आप आगे ले जाके बिठा दोगे, सेटल करा दोगे और फिर उसको थोड़ा सा वापस भेजोगे, वो कहलाता है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज इज लाइक एन इनोक्यूलम। इनोक्यूलम क्या होता है? जो थोड़ा सा स्टार्टर, हम दही जमाने के लिए थोड़ा सा दही नहीं डालते, बैक्टीरियल कल्चर, थोड़ा सा, दैट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज, जो वापस जाता है और फ्लॉक का ग्रोथ कराता है दोबारा। क्वेश्चन नंबर 37। फर्स्ट स्टेप इन बायोगैस प्रोडक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ। पहला स्टेप क्या है? सोल्यूबलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप सोल्यूबलाइजेशन, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड्स बनाते हो। सिंपल कंपाउंड से ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं। ऑर्गेनिक एसिड से आप मीथेन निकलवाते हो, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल, बायोगैस बनता है। तो पहला है सोल्यूबलाइजेशन, दूसरा है एसिडोजेनेसिस, एसिडोजेनेसिस, और लास्ट है मिथानोजेनेसिस। तो पहला काम कौन कराएगा? फर्स्ट वर्क विल बी डन बाय डीकंपोजर्स। गुड, एक्सीलेंट। पार्टी कल तो तुम्हारी पार्टी, मेरी भी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड। किसको बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज नहीं करोगे? नो, आई एम गुड स्मार्ट, हाउ आर यू रितेश? गुड बेटा। सबिया नाइस, सुनील, तनु, राजू, समर्थ, ज्योति, क्या बात है, पार्टी पार्टी पार्टी। निशांत गुड। क्विकली फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नहीं, देखो ये बायो कंट्रोल में आता है, ठीक है? ट्राइकोडर्मा भी बायो कंट्रोल एजेंट है, एनपीवी नैरो स्पेक्ट्रम है ना, बायो पेस्टिसाइड ही है ना, ये पेस्ट को मार रहे हैं। ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस नहीं, ये डिजीज कॉजिंग है, ठीक है? इट कॉजेज व्हाट? कंपेस्ट्रिस मतलब ब्रासिका, मस्टर्ड में ब्रासिकेसी फैमिली को इन्फेक्ट करते हैं ये। नहीं बेटा, ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ बायो पेस्टिसाइड, ये इन्फेक्शन कॉज करता है इनफैक्ट। ओके गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। मेरे पीछे दिख रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सेम हो गया, सॉरी सॉरी, ये नहीं, हटा दो उसको, हटा दो। क्वेश्चन नंबर, ओए लास्ट ही था, ओए मुझे लगा यार ये तो परफेक्ट हो गया यार, सॉरी, 40 क्वेश्चन थे मेरे को, लास्ट वाले में लगा कि पूरा आ गया, चलो कोई ना। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन कर लिए हमने, ठीक है? प्रैक्टिस ऑफ योर पेपर टुमोरो, मेक श्योर फटाफट से, ऐसे नए नए बैचेस आते रहते हैं, मिस मत करना। प्लीज़ फॉलो योर टीचर्स ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एज वेल एज ऑन अन अकेडमी ऐप, ताकि आपके साथ वो ना हो कि मैम कौन सा नोटिफिकेशन, मैम कहाँ हो रहा है, मैम क्या हो रहा है। 50 जगह पूछने से अच्छा है 3 ऐप है, डाउनलोड कर लो, काम आएंगे, ठीक है? तो टेलीग्राम इज देयर, अन अकेडमी लर्निंग ऐप इज देयर, एंड यूट्यूब तो है ही आपके पास, तो यहाँ हम बता देते हैं आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हो और कहाँ कहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जैसे अन अकेडमी पे कोई भी नया वो शुरू होगा, चैप्टर या कोई बैच शुरू होता है, तो आपको नोटिफिकेशन जाता है। आप टीचर्स को भी वहाँ फॉलो कर सकते हो, तो जब आप वहाँ टीचर्स को फॉलो करते हो तो अपने आप फिर से वही नोटिफिकेशन आपको जाता है कि क्लास कौन सी है, कब है, क्या है। गुड तनु, 33 इज एक्सीलेंट। 3 रॉन्ग हो गए, कोई नहीं, 3 रॉन्ग चलेगा, कोई नहीं कोई नहीं, 3 क्वेश्चन रॉन्ग जल्दबाजी में भी होते हैं, तो देखो किस रीजन से गलत हुए, ठीक है? किस रीजन से गलत हुए। थैंक यू, एंड ये सारे ड्यूरेशंस आपके लिए ओपन है बेटा, ड्यूरेशन आपकी चॉइस है टोटली, कुछ उसमें मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन बस मैं 1 मंथ को के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। एक तो कुछ ऑफ नहीं मिलता, कुछ भी ऑफ नहीं मिलता 1 मंथ में, नॉट नॉट वर्थ, मतलब 1 मंथ में पता चला ढूंढ ही रहे हो टीचर्स यहाँ वहाँ, तो एटलीस्ट गो फॉर मोर देन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको और एनरोल कर सको बैचेस के लिए। फ्री टेस्ट में अगर आपको आना है तो ये है हमारा स्केड्यूल ऑफ फ्री टेस्ट, ये सारे टेस्ट पूरा टाइम होते रहते हैं, तो आई विल एड दिस इन योर PDF, आपको देखना हो तो आप आराम से जाके देख सकते हो। कॉम्बैट बेटा प्लीज एनरोल फॉर दिस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि फ्री स्कॉलरशिप मिल जाएगा आपको। कोमल लाइव कोड है आपका अनलॉक करने के लिए,
ठीक है, मेक श्योर यू गो फॉर दिस. अन अकेडमी का लर्निंग ऐप फटाफट से डाउनलोड करो, नेट नीट यूजी प्लस एंड स्पेशल क्लास पे आना है. तो कल बहुत सारे क्लासेस हैं, 9 PM पे डिस्कशन, उसके अलावा भी काफ़ी सारे क्लासेस हैं विच आई विल अपडेट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, ये सारे ड्यूरेशन आपके लिए ओपन है, जो भी ड्यूरेशन आपको चूज करना है करो. फिर मैं बोल रही हूँ, कोई ज़बरदस्ती पैसे नहीं काट लेगा, ठीक है? तो आराम से घूमो फिरो, 10-15 दिन देखो, ऐप समझो, एंड देन डिसाइड कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपको कोर्स चाहिए. एंड कोमल लाइव कोड लगा के 10% ऑफ लेके आ जाओ क्लास में. ज़्यादा चाहिए ऑफ तो कॉम्बैट के लिए एनरोल करो, सेम कोड, इनवाइट कोड सेम है आपका, वहाँ भागो, सब्सक्रिप्शन मिलने के चांसेस बेटर हो जाते हैं और ऑफ भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? अगर फिर लगता है कि और मदद की ज़रूरत है, कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हेल्प कर दे साथ के साथ प्लानिंग में, समझने में, चीज़ों में, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत ऑप्शन हो गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, मेंटोर प्लस पढ़ाई तो है ही, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी के सारे टीचर्स आपके साथ जुड़े होंगे, टेस्ट सीरीज जितनी भी होंगी, जितने पेपर होंगे, सब में आप एनरोल कर पाओगे. कोड वही है, कोमल लाइव, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. मेक श्योर यू एनरोल फॉर इट टुडे, क्योंकि मैंने प्लस पे आज मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर दिया, तो 2 बजे हमारा रूट और स्टेम वाला पार्ट कवर हो गया, ठीक है? तो उसके आगे वाले टॉपिक्स आप मेरे साथ कवर कर सकते हो, तो ज्वाइन जल्दी से जल्दी. इस वीक के लिए ही है मेरा कोर्स, फॉर 1 वीक ओनली. सो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है? और ये है, फिर आपको यूट्यूब पे नहीं आना ना, फिर क्यों आओगे आप यूट्यूब पे, प्लस पे रहो. ये है आपका अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, PDF हो जाएगी यहाँ पे अपडेट मंथन बैच के लिए, अनअकैडमी नीट. एंड ये कोड आपने यूज कर लिया है या नहीं चाहिए तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जूनियर सीनियर्स को रेकमेंड कर सकते हो. एंड थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, ठीक है? कल हम मिलते हैं 4 बजे फॉर प्लस सेशंस. प्लस सेशन है @4 PM. मैं कल स्टार्ट कर रही हूँ लीफ और पिक्चर्स के साथ, रिविजन हो जाएगा आज की क्लास का, ठीक है? ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहो. और फॉर यू कैन फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप विच आई विल ओपन एट 10:30 फॉर डाउट्स, ठीक है? ऑलराइट, टेक केयर गाइस, पढ़ाई करते रहो, एंड आई विल सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर.